नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत टेस्टी होता है, ये सबको पता है और हर जगह ये बनता रहता है। तो ये देखिए, सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा इस तरह बन के तैयार होता है। तो हम बड़ी क्वांटिटी में बनाएंगे। 20 kg हमने गाजर लिया है, ये देखिए, इसको हम छील लेंगे। ये देखिए, इस तरह एक एक गाजर हम छील के तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह हम छीलते चले जाएंगे और इसको इकट्ठा हम एक टप में रख देंगे, उसके बाद हम धोएंगे। तो ये देखिए, इस तरह हम टप में डालते जाएंगे छील के, उसके बाद हम पानी से धो लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह हम धो के दूसरे टप में निकाल देते हैं, जिससे हमारा गाजर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा गाजर छील के तैयार हो गया है। अब हम कद्दूकस करेंगे। ये कद्दूकस करने वाली मशीन है, ये देखिए, इस तरह हम, ये लाइट से होती है, बिजली से, इसमें मोटर लगा होता है और इस तरह चलती रहती है और इसमें हम डालते रहते हैं और कद्दूकस करके यहाँ निकालते रहते हैं। ये देखिए, इस तरह कद्दूकस करके इस टब में गिरता रहता है, ऊपर से हम गाजर डालते हैं। उसके बाद में मशीन के साथ एक ये बेलना सा बना होता है, इसके आकार का होता है, इससे दबाना पड़ता है तो गाजर अंदर तक अच्छी तरह कद्दूकस करता हुआ चला जाता है। तो इस तरह हमने कद्दूकस कर लिया है। अब ये हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है, ये देखिए, टप उठा के कढ़ाई में ऐड कर दिया। ये 20 kg गाजर है, कद्दूकस कर लिया। अब यहाँ हम शुगर ऐड करेंगे। यहाँ हम पहले शुगर ऐड करते हैं और गैस भट्टी हमने हाई फ्लेम पर चला लिया है। तो यहाँ शुगर हम 5 kg ऐड करेंगे। ये देखिए, ये 2.5 kg है, एक जग भर के आता है 2.5 kg है, दूसरा जग भी हम ऐड करेंगे तो 5 kg हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह हम मिक्स भी करते रहेंगे और दूसरा जग भी हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब हमने 5 kg शुगर ऐड कर दिया। शुगर ऐड करने के बाद गाजर में जो पानी होता है वो निकल जाता है गर्म होने पे। ये देखिए, गाजर का जो जूस होता है इस तरह तुरंत निकल जाता है जब शुगर पड़ जाता है। तो यहाँ हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह मिक्स जैसे करते जाएंगे वैसे इसका पानी जो है, गाजर का जो जूस होता है, सारा अच्छी तरह गर्म होकर निकल जाता है। ये देखिए, तो इस तरह हम थोड़ी देर पकाएंगे, 10-15 मिनट तक अच्छी तरह हम पकाएंगे। पकाने के बाद में तब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह पक रहा है, अब हम दूध ऐड करेंगे। दूध इसमें हम 10 kg ऐड करेंगे। ये देखिए, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा दूध हम ऐड करते जाएंगे, 10 kg दूध हम ऐड करेंगे। बर्फ़ी में हम ज़्यादा 20 kg तक दूध ऐड करते हैं, जब हमें बर्फ़ी बनाना होता है तो 20 kg गाजर में हम 20 kg ही दूध ऐड करते हैं, खोआ ऐड करने के साथ। अगर हमें खोया ना ऐड करना पड़े तो दूध हमें ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह हमने इसमें 10 kg दूध ऐड किया है और इस तरह हम गाजर को पकाते रहेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह हमारा गैस भट्टी चल रहा है और इसको काफ़ी समय लग जाता है, धीरे धीरे ये पकता रहता है। कम से कम ये हमारा 2 घंटे लग जाते हैं गाजर की हलवा बनाने में। तो इस तरह ये हमारा दूध जब सूख जाता है, तब इसमें हम और इन्ग्रीडियंट्स जैसे ड्राई फ्रूट है, घी है, ये सब हम ऐड करते हैं। तो ये अभी हमारा पानी इसमें है, इस तरह हम अच्छी तरह पकाते रहेंगे और इसको अच्छी तरह हम दूध इसको सुखा लेंगे। ये देखिए, दूध और गाजर का पानी भी साथ में रहता है, तो इस तरह हम इसको सुखाएंगे हाई फ्लेम करके और इस तरह हमारा सूखता रहेगा। ये देखिए, तो इस तरह ये गाजर हमारा तैयार होता है। इसको 2 घंटे आराम से लग जाते हैं हमें गाजर का हलवा बनाने में। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें है अभी। अब जब ये सूख जाता है तो इसमें हम काजू बादाम ऐड करेंगे और हम शुद्ध घी ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने काजू बादाम लिया है, 200-200 ग्राम है, और ये दोनों हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। और यहाँ हमने 1 kg घी लिया है, ये हमारा एवरीडे का नेस्ले का देसी घी है, ये हमारे यहाँ कंपनी बढ़िया होती है, यही हम ऐड करते हैं। तो यहाँ हम काजू बादाम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, उसके बाद में इसमें ऐड कर दिया, घी भी ऐड कर दिया। ये हमारा कैमरा बंद हो गया था, इस तरह ऐड करते आपको नहीं दिखाया। तो इस तरह हमने काजू बादाम और घी ऐड कर दिया। उसके बाद में ये हमारा 6 kg खोया है, ये लिफाफे में अच्छी तरह भरा हुआ है।
जब गाजर में अच्छी तरह दूध सूख जाता है तो थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते जाते हैं। ये देखिए, पहले हमने घी ऐड कर दिया, काजू बादाम ऐड कर दिया, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खोया ऐड करते जाते हैं। ये हमारा 6 केजी खोया है, 6 केजी खोया कम से कम ऐड करना चाहिए 20 केजी गाजर में, और शुगर 5 केजी ज़रूरी है हलवे में। अब वैसे तो आप 6 भी ऐड कर सकते हो, लेकिन 5 तो कम से कम ज़रूरी है, तो हमारा गाजर का हलवा टेस्टी बनता है। और खोया भी हमारा 6 केजी होना चाहिए कम से कम, तो गाजर का हलवा बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनता है। और कम ऐड करने से खोया टेस्टी कम होता है। और इसमें हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दिया, और इस तरह हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल ये तैयार है। ये देखिए, तो इस तरह हमारा कढ़ाई में पड़ा रहता है। जब हमें सर्व करना होता है तो हम दोबारा गर्म कर देते हैं। तो इस तरह हम बड़ी क्वांटिटी में गाजर का हलवा बना के तैयार करते हैं। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।